हाँ भाई, तो हमने सोचा कि चाय हमारा ले, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज हमने जो खाई है वो गेहूं से बनाई है। ये वो गिफ्ट है जो अभी हमें देना है। ये जो तुम शॉट ले रहे हो ना, जरा पेमेंट पहले रख के लो। ये वो बंदा जो मुझसे जारी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज संडे है, खाना हम बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। तो भाई ये आ गया हमारा नाश्ता, रोटी, अंडा और पानी। तो हम खाएंगे क्योंकि नाश्ता हमने बनाया नहीं है। आज संडे है और फंडे है। आज हमारे यहाँ सफाई डे चल रहा है और ये देखे अभी ये कचरा निकल रहा है। ये वो डंडी है जिससे कचरा निकाला जाता है। निकल आया तो अब सोच रहे एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर। अजहर साहब पूरे उल्टे सीधे लेट कर अपनी तैयारी कर रहे हैं और इनका पेपर है उर्दू का। ये जबरान के भी स्टूडेंट है तो इनके हिफ्ज़े कुरान के भी एग्जाम चल रहे हैं, इनके स्कूल के भी एग्जाम चल रहे हैं, डबल डबल एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पिछला व्लॉग बनाया था अ डे विद कार, आज एक हादसा हो गया। जब मैंने जाके अपनी गाड़ी देखी तो उसका साइड मिरर की केसिंग जी है वो गायब है, पता नहीं वल्लाह आलम हुआ क्या। हाँ भाई, कौन से कार्टून देखे जा रहे हैं? कार्टून देख रहे हैं यहाँ पर आराम से लेट कर। इनके बहुत मन है भाई, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से कार्टून कार्टून देखते हैं पूरा दिन, एंजॉय करते हैं। जो मुँह हाथ धो देखो, ऐसे लग रहा है कोई मासी आ गई है। नहीं अभी तो मैं नहाने जा रहा हूँ। साबुन इसके अंदर क्या डाला हुआ है? फातिमा तेरा नहा कर बाहर आ गई, बाल तो गंगा कर लेती। मुझे बाल गंगा पसंद नहीं। कहा है मसन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या खाया है? नहीं मार। क्यों खाई थी? क्या करा था जो मार पड़ी है? आप एक ही तोला है मेरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो भाई छुट्टी का दिन है, सुबह से हम लगे हुए काम में और अभी भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो अभी हम खाएंगे फ्रेंच फ्राइज जो की हो रही है तैयार। और अभी तो आलू कट रहे हैं, उसको दिखाते हैं फिर के मैं खुद आलू काट। और ये फातिमा ले रहा भी थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर रही है। आइसक्रीम नहीं, अभी हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। आइसक्रीम? नो, फ्रेंच फ्राइज। आइसक्रीम मम्मा क्या बता रही है, गंदी होती है ये वाली आइसक्रीम, अच्छी नहीं। ये वाली जो आ रही है आवाज नहीं है, अच्छी नहीं होती। क्या हो रहा है ये? ये है। आप फिर इधर घुस गए। आजा आजा जी, अज्जत साहब का तो पढ़ पढ़ के बुरा हाल हो गया। हाँ भाई, कौन कौन है इसके अंदर? आ जाओ अंदर, चलो भाई। ये दो बच्चे अंदर बैठे हुए, दो बच्चे अंदर बैठ के फ्रेंच फ्राइज का वेट कर रहे हैं और मैं थोड़ी सी हवा खाने के लिए बाहर आ गया हूँ। यानी मेरे भांजे की आज बर्थडे है और हम सब लोग वहाँ पर जाने वाले हैं व्लॉग के अंदर, इंशाल्लाह वो भी हम शामिल करेंगे। आखिरकार अजहर साहब को मौका मिल गया मोबाइल लेने का। इनके दो दो जगह के पेपर दो रहे, मुश्किलों से थक हार के अभी ये गेम खेलने बैठे हैं। गेम खेल रहे हैं आप? कौन सा गेम है? मोबाइल। मोबाइल यार, एक भी गोल नहीं मार पाती, जब भी खेलते सिर्फ और सिर्फ गोल खाते हैं और इनकी जीत इसमें होती है कि कोई गोल खाने से ये बच जाए। कायम कहाँ हो? कायम, मुझे मत जाना। नहीं 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 फातिमा, नो, डोंट डू दिस। कोई बात नहीं, छोटा है भाई। तो भी जाने के लिए खाना धोना है, तैयारी करनी है, कपड़े वगैरह फ्री करके रखनी है और गाड़ी भी गंदी हो रही है, लेकिन गाड़ी को साफ करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो गंदी गाड़ी में जाएंगे, वैसे भी उसका साइड मिरर की जो केसिंग टूटी हुई है ना, आज तो गाड़ी चलाने का दिल भी नहीं चाह रहा। ओके, ये देखे, ये मेरे टीम है पुर्तगाल, भी चेक करेगा गोल कैसा आएगा। ये देखे भागता हो गया बंदा। वाह भाई वाह, अजहर साहब ने गोल मार दिया। दो गोल मार दिए, दो। खेलना सीख लिया है अजहर साहब ने। तो यार सीन ये है कि अभी हम थोड़ी देर बाद तैयारी शैयारी करेंगे जाने की। भी मार दिया है भाई। दूसरा गोल भी मार। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम गोल खा रहे हो और मुझे दिखा रहे हो कि तुमने गोल मार दिया। देख लीजिए मेरी टीम खेल रही है भाई। ये आ गई हमारी फ्रेंच फ्राइज और ये तीनों भूखे पहले से ही आके बैठ गए। मेरा वेट ही नहीं किया, मुझे बोला कि हाथ धोकर आए और खुद ही खाना स्टार्ट हो गया। तो चले यार खाना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो हमने सोचा कि चाय हमारा ले, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज हमने जो खाई है वो गेहूं से बनाई है। चलो यार चाय बनाते हैं। मैं चाय बना रहा हूँ और अर्जेंट ये वीडियो बना रहे हैं।
तुम तो नहीं पियोगे चाय? पियूंगा। इस एज में जूस पीते हैं, जूस। आप जूस दिलाते ही नहीं। क्या मैं क्या बोला तूने? ये पहले क्या बोला? चल ये देखें कि ये इस तरीके से चाय कप में डालते हैं कि गिरे ना, और अगर गिर जाए तो फौरन खामोशी से साफ कर देते हैं ताकि बेगम को पता ना चले। बाद हम इसमें डालेंगे दूध। फिर डालते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, ज्यादा दूध नहीं डालना है क्योंकि दूध बहुत महंगा हो गया। तो जी ये हो गई चाय तकरीबन तैयार। कैमरामैन अर्जद के साथ मैदी रजा फ्रॉम कराची। चाय जो है मेरी कायम हसन ने ले ली है और अब अपनी बहन से भी शेयर करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भाई अभी जो है गर्मी बहुत थी और अभी जो है ना मैं नमाज की तैयारी कर रहा हूँ, अब नमाज़ पढ़ेंगे। व्लॉग बनाए या ज़िंदगी में जो भी काम करें अपनी नमाज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है। और अपनी नमाज़ों को मत भूलें और अपने ज़िम्मेदारियों को अपने फ़राइज़ को अंजाम दें और साथ में इंजॉय करें, व्लॉग बनाएं या जो भी करें। तो चलें हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर तैयार होते हैं नहा धो के और फिर जाते हैं, मज़े करते हैं, पार्टी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक छोटी सी बच्ची जो है इस टाइम इतनी बड़ी जानिमाज पे नमाज पढ़ रही है। तो भाई ये देखें माशाल्लाह से बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। अगर नमाज पढ़ना सिखाएंगे, उनको अपने साथ पढ़वाएंगे तो आपके बच्चे नमाज पढ़ेंगे। हमने ऐसे ही नमाज पढ़ना सीखी। नमाज के टाइम पर एक ऐसा माहौल बनाएं कि सब लोग नमाज पढ़ें। हाँ भाई ये कायम हसन तैयार हो गए और ये फातिमा ज़हरा भी तैयार हो गई हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा ना भाई, ये हमारा गाड़ी की साइड मिरर तैयार हुआ है, सही वाला ये। तो भाई अभी हम जो है वो पहुँच गए हैं सल्तनत रेस्टोरेंट, यहाँ से वो हम एंट्री कर रहे हैं। ये वो गिफ्ट है जो अभी हमें देना है। हमने तो बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था। ओके थैंक यू। अभी हम पहुंच गए सल्तनत रेस्टोरेंट में और यहाँ पे मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपने बिग फैन से। बहुत सारे फैन यहाँ पर मौजूद हैं, तो चले आपको वन बाय वन मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये भी मेरे एक बिग फैन है, ये मेरे बड़े फैन भी हैं और ये मेरे भांजे भी हैं और ये मेरी बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प आउट भी करते हैं और मैं इनसे बड़ा खुश हूँ। अगर मैं बड़ा यूट्यूबर बना तो इंशाल्लाह इनका बड़ा मजे होने वाला है। ज़ुबैर साहब ये भी फैन है, इनको छक्के पड़े थे लास्ट व्लॉग में, स्नो बॉल करवाई थी। स्नो बॉल? अच्छा। भाई यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और हम एक यहाँ पर थोड़ा सेपरेट आ गए। मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त अमार भाई और इनके साथ तो बड़ी मोहब्बत है। इंशाल्लाह इनके साथ भी एक व्लॉग, एक अलग व्लॉग बनाएंगे। इनके साथ भी और दोस्त और भी हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये सल्तनत होटल है और यहाँ पर अभी बहुत सारी पब्लिक आई हुई है और हमारा वहाँ सामने सेटअप है जहाँ हमारी शूटिंग है। तो चलते हैं उस तरफ, चलकर देखते हैं। हाउ आर यू? ये पूरे पर्दे में आई है इस वजह से ये व्लॉग में शामिल है। अच्छा आदमी बन रहा है। हाँ और ये मेरी भाई है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ वालेकुम। ये जो तुम शॉट ले रहे हो ना, जरा पेमेंट पहले रख के जाओ। पैसा ही पैसा हो गया। चले मैं अभी एक काम करता हूँ, करवा के लाता हूँ करेंसी एक्सचेंज से। आप लोग बैठे यहाँ डिनर करें, तो चेंज करवा के ला रहा हूँ। केक कटिंग हो रही है यहाँ पर और थोड़ी सी देर में केक कटेगा। बस केक खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर घर जाएंगे। ये अर्जद साहब खाने का इंतजार कर रहे हैं, इनको भूख लग रही है, घर से ही इनको भूख लग रही है। की भाई की वो है।
अब कौन है भाई? ये भी भाई लास्ट वीलॉग के थंबनेल के अंदर भी मौजूद थे भाई, मुझे भी तो दाम मिल गया भाई। ये भी मौजूद है यहाँ पर, इनका नाम है अनु। खाने में अभी टाइम है तो हम जरा सलाद से लुत्फ अंदोज हो जाए। और ये एक रिवायती अंदाज है, जब भी आप किसी होटल जाएं खाने से पहले आप पहले खीरा लें, उसको रायते में डिप करें और उसके वो आ गया पहला डायनासोर। ये वो बंदा जो मुझसे जेलस हो रहा है। कैसे है भाई, करीब से आप? नहीं ये तो मेरा भाई है। मैंने सब्सक्राइब किया, हमेशा सपोर्ट करता है। सब्सक्राइब भी किया है और इसने मुझे सब्सक्राइब किया, इसके पैसे मैं इसके अकाउंट में डाल दूंगा। हां ये नहीं भूलना है। ब्लॉग देखा बहुत अच्छा भी लगा। गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। थैंक यू, थैंक यू। और आगे भी लोगों को भेजें, एक देखेगा फॉलो करो। यार ये तो मेरा पक्का सब्सक्राइबर है, आगे एक दो लोगों को भेज भी दिए इसने, मतलब ये तो बगैर पैसों के ही काम कर रहा है। मैंने भी उनसे वो किया है, इन्होंने भी पोस्ट किया है, इनके लिए भी आप सब लोग एक दफा जो है नहीं कुछ भी ना बोले इनके लिए, मैं खुद बोल ले रहा हूँ, ये खुद बोल लेंगे। बड़े यार वैसे जबरदस्त है, देखने में मजा आ रहा होता है। बड़े यार वॉचिंग माय वीलॉग। मिलते हैं अगले वीलॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।